सात संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, सात संग जी सतगुरु म्यूजिक भोजपुरी चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बड़े प्यार और सत्कार से बोलना जी, धन निरंकार। सात संग जी बड़े प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संग जी, आज हम जानेंगे कि सत्संग जाने पर हमारा मन शांत न रहता है। तो सात संग जी, हम लोगों में से कई लोग सालों से सत्संग जाते हैं पर कुछ फायदा नहीं होता, मन शांत नहीं रहता। कारण, एकाग्रता की कमी। हम सत्संग नित्य जाते हैं पर क्या हम सत्संग ठीक से सुनते हैं? क्या हम सत्संग पर ध्यान देते हैं? शायद नहीं। सत्संग में बैठे होने के बावजूद भी हम कहीं और होते हैं, हमारा मन भटकता रहता है। सत्संग से बाहर आकर सब कुछ भूल जाते हैं, बाहर आकर गिला शुरू कर देते हैं, ये सब गलत है। तभी तो आपको हमको किसी को भी फायदा नहीं होता। जब भी हम सत्संग में जाते हैं तब हमें एक बात ध्यान से सुननी चाहिए, जब भी हम सत्संग जाते हैं तब हमें एक एक बात ध्यान से सुननी चाहिए। हो सके तो नींद बिल्कुल ही ना आने दें, सत्संग से बाहर आकर शांत रहें, कुछ वक्त किसी से भी बात ना करें, क्योंकि सत्संग की ऊर्जा आपके भीतर होती है, इसलिए बाहर आकर बातें करके ऊर्जा को बर्बाद न करें। हो सके तो घर आकर कुछ समय के लिए सिमरन पर बैठें, फिर सतगुरु आपकी न सुने ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आप गुरु से कुछ भी न मांगे पर शांत रहें, सिमरन करें, क्योंकि सतगुरु को पता है कि आपको क्या चाहिए। सतगुरु सब कुछ जानता है, करके देखिए, आपका मन जरूर शांत होगा, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, गुरु आपकी जरूर सुनेगा, ये सतगुरु का वादा है। बस जरूरत है आपके नित सत्संग जाने का, सत्संग पर ध्यान देने की, सेवा सुमरन और सत्संग करने की। तो बड़े प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी।